बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बनाऊँगी अब मीठी थोली। तो मैं यहाँ पे मैंने कुकर को रख दिया है और अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं घी ऐड करने के बाद मैंने इसमें 3-4 इलायची ली है, तो मैंने इलायची को छील लिया था। और यहाँ मैं इलायची को डालने के बाद मैं इसमें 3 चम्मच थोली ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरा लक्ष्मी भोग का शरबत ही गेहूँ का दलिया है, तो यहाँ मैं इसको डाल रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से फूलता है, इसमें पानी अच्छा डालते हैं तो बहुत अच्छा फूलता है ये। तो यहाँ मैं इसको कम ही लूँगी। अब मैं दूसरी तरफ पानी गर्म करने के लिए रख दिया और मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। तो ये देखिए मेरा पानी उबल गया है अच्छे से। अब यहाँ मैं पानी इसके अंदर डाल दूँगी। मेरी थोली सिक गई थी तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जो गर्म पानी ऐड करा था ना मैंने गुड़ का वो वाला। और मैं इसमें ऐड करूँगी और एक्स्ट्रा पानी। तो यहाँ मैं थोली को सेक के मैं अब इसमें दो सीटी लगा दूँगी। तो यहाँ मेरी थोली कब मैंने बना ली है। और ये मेरी दाल, मैंने इसको बना लिया था पहले ही। और यहाँ मैं इसका प्रेशर निकाल दूँगी, इसमें प्रेशर था तो मैं इसका प्रेशर निकाल दूँगी। तो यहाँ मैं सब काम से फ्री हो गई थी। तो ये मॉर्निंग का टाइम था। अब यहाँ देखिए मेरी थोली बन गई है, तो अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तो यहाँ मैं खाने से फ्री होकर के फिर मैं अपनी साफ़ सफाई के लिए आ गई थी। तो यहाँ मैं बेडशीट वगैरह भी झाड़ रही हूँ और मैं क्लीनिंग करूँगी। तो मैं सब चीज़ का कपड़ा मार रही थी। तो मैं अपना फर्नीचर लिक्विड से साफ करती हूँ। मैं पहले लिक्विड डालती हूँ पानी के अंदर और उसका पोछा सब तरफ लगाती हूँ फर्नीचर पे का। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग चल रही थी तो मैंने डस्टबिन को कवर कर दिया है। मैं हमेशा डस्टबिन में पॉलीथीन लगा के रखती हूँ, इससे गंदगी भी नहीं होती और साफ़ रहता है। तो यहाँ मैं मशीन पे आ गई थी अपनी, तो काम से फ्री होकर के। तो फिर ये देखिए मेरी मशीन, इसकी आवाज़ देखिए कितनी तेज़ होती है। इसका मैं स्विच ऑफ ऑन करूँगी तो ये देखिए इसकी आवाज़। मेरे पास कंबल था तो मैं कंबल के ऊपर ही कवर चढ़ा लूँगी, क्योंकि कवर मेरा सिला हुआ था पहले मैंने सिया था। तो मैं अब इसको कवर कंबल के ऊपर चढ़ा लूँगी इस कवर को। तो मैं यहाँ सी रही हूँ और ये देखिए मेरा कवर सिल गया। तो मैं इसमें बीच में सिलाई कर रही हूँ, देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ 4 बज रहे थे शाम के, तो हमें भूख लगने लगी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सोयाबीन की कढ़ी। तो मैंने सोयाबीन को पानी में भिगो लिया था और उसको उबालने रख दिया था। तो मैंने उबालने के बाद तेल को गर्म करा और मैं उसमें फिर इसको निचोड़ के डाल दूँगी। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल करारी उनको फ्राई कर लूँगी अच्छी क्रिस्पी। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसको प्लेट पर निकाल लूँगी। मैंने इसमें उबालते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड किया था बस, और कुछ भी नहीं। देखिए मेरी कितनी अच्छी करारी हो रही है और ये खाने में भी टेस्टी लगती है बहुत। तो यहाँ देखिए मैंने गोल गोल फ्राई कर लिए। और आप इसको टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। और यहाँ बची हुई मेरी ये भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो फिर ये शाम को मैं जब खाना बनाने आ गई थी तो मैं यहाँ लौकी की सब्ज़ी बना रही, तो मैंने उसको काट के उबाल लिया था। और यहाँ मैं आटा वगैरह लगा रही हूँ, मेरा आटा लग चुका है। यहाँ मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें तेल डाला है, तेल डालने के बाद तेल मेरा अच्छे से गर्म होगा तो मैं इसमें जीरा ऐड कर दूँगी।
जीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें हींग डालूंगी थोड़ी सी। अब मैं यहाँ इसमें दो तीन हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डाल दूंगी। मैंने हरी मिर्ची को धो लिया था तो मैं इसमें कट करके डाल रही हूँ। और यहाँ मैं इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी। पहले ही मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। हरा धनिया डाल के मैं इसमें लहसुन अपने भून लूँगी। मैंने इसमें दो चम्मच लहसुन लिए हैं बस, और मैं इसको भून लूँगी। थोड़ी देर में इसको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी उबली हुई लौकी। तो मैंने लौकी में दो सीटी लगा ली थी। तो उबालने से ही अच्छी बनती है ये। वैसे तो इसका क्या कड़वापन रहता है तो ये थोड़ी कड़वी कड़वी लगती है। और यहाँ मैं इसमें हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च मसाला ये ऐड कर दूँगी। मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।